प्रीपोजिशन। डेफिनेशन, अ प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड विच इज़ प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशंस विथ एनी अदर वर्ड्स। इसका मीन क्या है कि कोई भी ऐसा वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन के पहले रखा गया हो, मतलब बिफोर, उसके पहले रखा गया हो और इसी के रिलेशंस में जो दूसरा वर्ड यूज्ड होता है, ऐसे वर्ड्स को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, द पेन इज़ ऑन द टेबल, तो यहाँ पे ऑन क्या है, हमारा प्रीपोजिशन है ना। तो जो किस क्या बता रहा है, पेन से रिलेशन बता रहा है किसका, विथ टेबल का। नाउ द सम इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन वर्ड्स, एट, ऑन, इन, टू, बाय, विथ, फॉर, फ्रॉम, आउट, अप, ऑन, अंडर, अपॉन, अबाउट, बिफोर, बिहाइंड, बिटवीन, विथिन, विथआउट और इटीसी। यूज्ड ऑफ सम प्रीपोजिशन। चलो हम ये जो वर्ड्स थे हमारे इंपॉर्टेंट वाले प्रीपोजिशन के, इसे हम यूज्ड करते हैं। सबसे पहला वर्ड हमारा क्या है, एट एंड इन। एट इज़ यूज्ड फॉर स्मॉल प्लेस। एट किसके लिए यूज्ड करते हैं हम, स्मॉल प्लेसेस के लिए यूज करते हैं। एंड इन इज़ यूज फॉर बिग प्लेसेस, और हम इन किसके लिए यूज करते हैं, बिग प्लेसेस के लिए। फॉर एग्जांपल, ही लिव्स एट भोपाल, मतलब भोपाल मतलब एक सिटी हुई है ना, एंड वी लिव इन इंडिया, इंडिया मतलब हमारा क्या हो गया, देश हो गया। सेकेंड, इन, इनटू। इन डिस्क्राइब द सिचुएशन, इन क्या करता है, सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है। एंड इनटू मेक सेंस ऑफ स्पीड, और इनटू क्या करता है, सेंस स्पीड बताता है, मतलब उसका जो सेंस है उसको हम किस स्पीड में बताते हैं वो बताता है। फॉर एग्जांपल, इनका, ऑल द बॉय आर इन द क्लासरूम, मतलब ये सिचुएशन बता रहा है ना कि सारे बॉयज़ कहाँ पे हैं, क्लासरूम में है। तो ये इन क्या कर रहा है, हमें बता रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। इन टू का क्या है, वी बॉट द टिकट्स एंड वेंट इन टू द हॉल, मतलब ये स्पीड बता रहा है हमारी कि हमने पहले, सबसे पहले हमने टिकट लिया एंड उसको हम सीधे हम उसको लेके कहाँ चले गए, हॉल।